नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। बाल अधिकारों के लिए कार्य कर रही और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने आमजन से आह्वान किया है कि वे वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से अनाथ बच्चों को गोद लेकर परवरिश का जिम्मा उठाएं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान देश भर में कुछ मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिनमें माता पिता की मृत्यु के बाद उनके बच्चे लावारिस हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे बच्चों के लिए कार्य करने की दिशा में बाल अधिकारों के लिए कार्यरत प्रबुद्ध जन और स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्थिति में सामाजिक संगठनों एवं कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे उन बच्चों को सहारा प्रदान करें। इसी बीच उन्होंने बताया कि इन दिनों ऐसे बच्चों को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के गोद लेने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में उनकी ऐसे लोगों एवं अभिभावकों से अपील है कि वे वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही गोद लें, ना कि अपने स्तर पर कोई काम करें। आखिर में उन्होंने इस बात पर खुशी भी जाहिर की कि जिला स्तर पर बाल कल्याण समिति और अनेक संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। उनसे भी अपील है कि वे ऐसे बच्चों को ट्रेस कर उनको बेहतर संरक्षण प्रदान करें। ऐसे मामलों में बच्चों के परिजन एवं निकटतम परिजनों को भी बच्चों को संरक्षण देने के लिए प्रोत्साहित करें। अभी सब तरफ से एक मैसेजेस स्प्रेड हो रहे हैं, जो कि मेरे पास में भी काफी मैसेज आ रहे हैं कि बच्चों के जो पेरेंट्स कोरोना से जिनकी डेथ हो रही है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, और कि आप बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए या आप बच्चे को कहाँ अडॉप्शन के लिए दें, तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। तो अभी ये मैं बताना चाहूंगी कि हम सबका एक सिस्टम का इस पर ध्यान जाना चाहिए कि जो बच्चे इस वक्त अपने पेरेंट्स को खो रहे हैं तो बच्चों को यूं ही कहीं अडॉप्शन के लिए नहीं दिया जा सकता। इट्स नॉट लीगल। हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसमें संपर्क किया जाए और बच्चों को लीगल तरीके से प्रॉपर तरीके से अडॉप्शन के लिए देने का प्रोसेस किया जाए, जिससे बच्चे का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो। और प्रयास मेरे ख्याल से अभी यही करा जाना चाहिए कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है लेकिन वो अपने रिलेटिव्स के साथ में एक उनकी जॉइनिंग होती है, तो हम पहली कोशिश यही करें कि बच्चे अपने पेरेंट्स के पास में जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी सभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज का और कमीशन का कि किसी भी तरीके से इस चीज को देखें, इस पर ध्यान दें कि बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स को खो रहे हैं, उनके दे आर लूजिंग देयर पेरेंट्स एंड वो लोग एक न्यूज बन के सब जगह स्प्रेड हो रहे हैं। तो उसके लिए हम एक कदम आगे बढ़ें और उन बच्चों को एक सही परवरिश के लिए सही हाथों में लें। शहरी क्षेत्र के अलावा कोरोना ने गांव में भी रुख कर लिया है। इसी के तहत उपखंड अधिकारी राजेश मीणा ने कौथुन गांव में अधिक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर इस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और 31 मई तक पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसी के तहत गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता और बाहर का कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं आ सकता है। साथ ही घर घर सर्वे करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना के लिए सोमवार को तहसीलदार अजीत कुमार बुंदेला के नेतृत्व में SI जितेंद्र कुमार के साथ मुख्य बाजार चाकसू व ग्रामीण क्षेत्र थली मोड़ा सेवापुरा कंदेला गाँव द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समय उपरांत खुली मिली 13 दुकानों को मौके पर ही सील किया गया और लगे हाथों जुर्माना वसूल किया गया। COVID-19 नियमों की अवहेलना करने वालों को सख्त कानूनी कार्यवाही की हिदायत भी दी गई। वहीं टीम को देकर कई दुकानदार दुकानें खुली छोड़कर भी भाग निकले। टीम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी सीताराम मीणा, कस्बा पटवारी सुरेश जाट, कनिष्ठ सहायक हेमंत दास, पटवारी हेमराज जाट, कुलदीप जाट, मोहन महावर आदि उपस्थित रहे। इसी के साथ ग्राम कंदेड़ा में अनुमत समय पश्चात खुले मिले शराब ठेके को भी सील किया गया। ठेका मालिक टीम को देखकर भाग गया। तहसीलदार बुंदेला ने मरुदर बुलेटिन के पत्रकारों को बताया कि अब लापरवाह लोगों के प्रति सख्ती से कार्यवाही की जाएगी और बिना वजह घूमते मिले लोगों को 14 दिन के लिए कोरोना सेंटर में भेजा जाएगा। तमाम देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुदर बुलेटिन। नमस्कार।